Hey people, once again I am here to help you out in preparing your B.Ed. sessional file as I prepare mine. So this is gonna be our 6th sessional file, you can say. And before it, we almost completed our 5th sessional file. And if you haven't watched those videos yet, I'll suggest you go through the description box and you will grab the link as well. But before going through the video, let me tell you that this is the optional based subject. Because out of it, there are 5 optional subjects in which we have to choose only one of them. Like educational administration and management, second guidance and counseling, third computer education, you can say, fourth health, physical education and yoga, fifth lifestyle management. And the 6th one is environmental education, which we are going to discuss about in this whole video. And which code number is 503. And after completing our sessional file, we will start continue our practicals files. Those are understanding with ICT, second scouting and guiding, third working with community, even school internship diary and portfolio, which is my favorite. So now let's get into the video now. As I always remind you in the beginning of the explanation that this file has been written in the Hindi language. So it would be better option ki agar hum ye Hindi language mein discuss karte hain. So chaliye dekhte hain ki is file mein aakhirkar hame likhna kya hota hai. First of all, you can see the index. To ye hamari index hai. Is index mein hame wo main topics likhne hote hain jinke bare mein hame is puri file ke andar likhne wale hote hain. To first of all, hame kya likhna hota hai? Paryavaran ka arth, paryavaran ki paribhasha, paryavaran ki visheshta, paryavaran ke kshetra, paryavaran ke tatv and many more. Aap dekh hi sakte hain. To chaliye start karte hain. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का अर्थ. प्राणी के जन्म के साथ ही उसके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है तथा अजन्म उसे घेरे रहता है. यह वातावरण आसपास बिखरी हुई वस्तुओं, विषयों एवं व्यक्ति के रूप में होता है. प्राणी के आसपास का यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है. जैसे पर्यावरण प्राणी को मिलता है, वैसा ही वह बनता चला जाता है और एक समय बाद उसी पर्यावरण में रच बस जाता है. जैसे कि बात से ही क्लियर हो चुकी है, कोई इसमें इश्यू नहीं है. उसके बाद में आप अगर लिखना चाहें तो शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है. पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है. परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा. इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर घेरा. ओके, इज दैट क्लियर. नेक्स्ट इज पर्यावरण की परिभाषाएं, यानी डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट. अब किसी के शब्दों में भी आप, अगर आपके पास कोई भी राइटर है, उनके शब्दों में आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं. आप यहाँ पे देख ही सकते हैं. ओके, मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, इट विल टेक मोर टाइम. ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण की विशेषताएं. अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या होती है. पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित करती है. सेकेंड, पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार व क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है. थर्ड, पर्यावरण चेतन पदार्थ की इकाई का प्रभावकारी उद्दीपन और अंत क्रिया है. फोर्थ, भौतिक तथा जैविक तत्वों के समूह को पर्यावरण कहते हैं. ऐसे ही करके आपके पास कोई भी विशेष लिखी है, आप उन्हें लिख सकते हैं. देन हमें लिखना होता है पर्यावरण के क्षेत्र, यानी उसके क्षेत्र क्या हैं. अब आपको पता ही होगा पर्यावरण के क्षेत्र क्या हैं, सभी को नॉर्मली पता होता है. ये हमारा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल. आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. इनके बारे में आप डीपली पढ़ना चाहें और डीपली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली आपको सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द सेम एक्सप्लेनेशन विच आई टोल्ड यू अर्लियर. सो नेक्स्ट इज पर्यावरण के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. अब इसके एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं, यानी कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि फिजिकल और नेचुरल एनवायरमेंट. अब इसके बारे में आप डीपली लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक, और लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये हमें 18 to 20 पेजेस की फाइल बनानी होती है. अगर हम ज्यादा पेजेस में ऐड करने लगेंगे तो सो इट वुड बी बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट एलिमेंट सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण. आप देख ही सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं एंड इवन यू कैन स्क्रीनशॉट इट. सेम एक्सप्लेनेशन, आई मीन एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. दिस इज ऑल्सो सांस्कृतिक पर्यावरण के सामाजिक जीवन पर प्रभाव. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. सी, आप देख सकते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के सामाजिक जीवन पर प्रभाव, यानी अब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है. संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है. ठीक, यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. संस्कृति से सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है. सांस्कृतिक पर्यावरण के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को
अग्रलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, इसके बारे में अग्रलिखित आप यहाँ देख ही सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सामाजिक संगठन का प्रभाव, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्थिक जीवन का प्रभाव, नेक्स्ट प्रौद्योगिकीय विकास का प्रभाव, फोर्थ वन इज राजनीतिक संगठन का प्रभाव, राजनीतिक संगठन पर प्रभाव, फिफ्थ धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव, सिक्स समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव, आप यहां से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पर्यावरण प्रकोप यानी कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ठीक, मानव समाज में अनेक ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं जिनके कारण अपार जनधन की क्षति होती है, ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को पर्यावरणीय प्रकोप या आपदा कहा जाता है। प्रकोप या आपदा एक तात्कालिक अप्रत्याशित दुर्भाग्य घटना है जिससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं। कोई इनके घटित होने के बारे में पहले से नहीं जान सकता और ना ही यह जान सकता है कि यह किन किन को कितनी कितनी हानि पहुंचाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई प्रलय आती है, बाढ़ आती है, हमें क्या पता थोड़ी चलता है कि यह कब आने वाली है और या किस किस को कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। उसके बाद में यह एक बहुत दुखद घटना या दुर्घटना होती है जिसमें अनेक मनुष्य पशु आदियों की मौत भी हो जाती है। आपदाएं या प्रकोप विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की हो सकती है। इनके प्रमुख उदाहरण है जैसे भूकंप तथा ज्वालामुखी का आविर्भाव, लंबी अवधि तक सूखे की स्थिति। ओके, पर्यावरण प्रकोप के प्रकार, इट मीन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड। पर्यावरण प्रकोप को उनके कारणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज प्राकृतिक कारकों द्वारा प्रकोप एंड सेकंड इज मानवीय कारणों द्वारा प्रकोप। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं पहले। प्राकृतिक कारणों से घटने वाली आपदाएं या प्रकोप को इस श्रेणी में रखा जाता है। इनके दो प्रकार आंतरिक में आते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और उसके बाद बाह्य कारणों में आते हैं हमारे बाढ़, सूखा, तापलहर, शीतलहर, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, अतिवृष्टि। इसी के साथ सेकेंड मानवीय कारणों द्वारा प्रकोप पढ़ लेते हैं। मानव ने रासायनिक एवं नाभिकीय कारणों को करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रकोपों को जन्म दिया है। यह समाज के लिए अति हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रकोप को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब जैसे कि आप इनके टाइप्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण जोखिम। ये भी आप देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण संकटों के लिए मानवीय क्रियाओं सिद्धांत तो कोई भूमिका नहीं निभाती, लेकिन अब पर्यावरण विशेषज्ञ कुछ संकटों के लिए मनुष्य को उत्तरदायी अवश्य मानते हैं, जैसे अधिक वनों की कटाई से बाढ़ और सूखा की घटनाओं में वृद्धि, अथवा भूगर्भीय जल के अधिक दोहन से रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृद्धि और भूकंपों की संख्या में बढ़ोतरी आदि कुछ प्रमुख पर्यावरणीय खतरे एवं उनके प्रभाव निम्न है। अब जैसे कि आप ये खुद से पढ़ सकते हैं और उसके ये देख सकते हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात एवं हिमपात। नेक्स्ट इज पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार यानी अब कितने टाइप का होता है क्या प्रदूषण यानी पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब कितने प्रकार का होता है, ऑब्वियसली बच्चा भी जानता है थर्ड क्लास का, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सागरीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, कूड़े कचरे से प्रदूषण एंड नाभिकीय प्रदूषण। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू नीड सो। नेक्स्ट इज वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना ही वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग, उसके भी डिटेल में आप लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज बाढ़, सूखे, भुखमरी, मलेरिया, प्राकृतिक विनाशकारी आपदाओं से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि हेतु मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का योगदान है। ठीक, आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट हम लिखते हैं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 गैस की वृद्धि से धरती पर अधिक ऊष्मा का संचयन हो रहा है, अतः ताप में वृद्धि हो रही है। सेकेंड, औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न हानिकारक गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जैसे CO2, CFCs, N2O, CH4 इत्यादि। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस से होता है। ऑब्वियस सी बात है। लास्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग के निवारक उपाय। अब क्या हैं उसके उपाय, तो अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड, CFC गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाई चाहिए, सही बात है। थर्ड, वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाए। फोर्थ, लोगों को जागरूक किया जाए।
ठीक, इसी के साथ में हमारी लास्ट सेशनल फाइल भी कंप्लीट होती है, विच वॉज एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड विच कोड नंबर इज 503. एंड होपफुली दिस गोन नॉट बी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज आई एम 100% श्योर दिस गोन नॉट बी यूजफुल फॉर यू इन प्रिपेयरिंग योर सेशनल फाइल एज वेल. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ फाइल, सो यू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल. आई मीन स्कूल इंटर्नशिप डायरी पोर्टफोलियो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, सो होप फॉर द नेक्स्ट. Thank you so much for watching.